हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है. एंड इन टुडेज वीडियो वी स्टार्ट एक्सरसाइज 10.5 एंड दैट इज टोटली बेस्ड ऑन थ्योरम 10.8, द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर 10.8. यस, 10.8 में देखिए आपको क्या देखा है. थ्योरम 10.8 स्टेटमेंट, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर इज डबल the angle subtended by it at remaining part of the circle. तो स्टूडेंट आपको प्रूव करना है कि जो सेंटर पे डबल एंगल बनेगा रिमेनिंग पार्ट से. सबसे पहले इसकी फिगर को आपने समझना जरूरी है. एक हमारे को सर्कल दे रखा है, here it is a circle whose center is O and AB is an arc. कोई AB arc है तो सेंटर पे एंगल बना लिया ए ओ बी. एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस. डबल एंगल बनता है आपका सेंटर पे किससे? द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. रिमेनिंग पार्ट पे कोई पॉइंट हमने बी ले लिया है और रिमेनिंग पार्ट पे जो ए बी आर्क है वो सेंटर पे एंगल बना रही है एंगल ए ओ बी एंड रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनता है हमारा ए बी बी. हमें रिलेशन दिखाना है इसको, यस प्रूव करके दिखाना है. गिवन में हम लिखेंगे आर ए बी सबटेंड्स एंगल ए ओ बी एट सेंटर एंड एंगल ए बी बी एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. जी हाँ, ए बी आर्क है वो सेंटर पे एंगल ए ओ बी बना रही है और रिमेनिंग पार्ट पे एंगल ए बी बी. आपको प्रूव करना है टू प्रूव कि सेंटर पे डबल एंगल बनता है यानी एंगल ए ओ बी इज डबल ऑफ एंगल ए बी बी. एंगल ए बी बी से डबल होगा, ट्वाइस होगा इसका ए बी बी. इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. यस स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम है क्योंकि इसका प्रूफ आपके सिलेबस में जरूर, आपके एग्जाम में जरूर आना है. इसको प्रूफ करके दिखाना है आपने. और कभी भी कोई थ्योरम आती है तो सबसे पहले ये चीज आप ध्यान रखिए कि किस कंसेप्ट पे आप उसको, किस कंसेप्ट का यूज करके आप उसको प्रूव करेंगे. हियर वी यूज द कंसेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. जी हाँ, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज करेंगे इसमें हम. तो देखिए, हम इसको पहले मिलाएंगे ज्वाइंट PO और इसको आगे बढ़ा देंगे. ज्वाइंट PO एंड प्रोड्यूस इट टू R. इसको R तक आगे बढ़ा दीजिए. ये आपका R पॉइंट है. तो स्टूडेंट, हमने PO को मिलाया और उसको आगे बढ़ाया. इसका मतलब यह कि आपने जो साइड आगे बढ़ा दी है तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा. तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का हम यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम लेंगे ये वाली ट्राइंगल आपके सामने है, ट्राइंगल एओपी. इन ट्राइंगल एओपी आपके पास देखिए प्रूफ. इन ट्राइंगल एओपी एओ इज इक्वल टू पीओ रेडियस ऑफ सेम सर्कल. एक ही सर्कल के रेडियस हैं, सेम सर्कल. अगर रेडियस इक्वल है इट मीन्स इस ट्राइंगल में दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई है. देयरफॉर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. इसको हम एंगल वन ले लेते हैं. दिस वन इज एंगल वन एंड दिस इज एंगल टू. सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. Angles opposite to equal sides are equal. Equal sides are equal. इस प्रॉपर्टी का यूज किया हमने और एंगल वन और टू इसलिए हमारे बराबर होंगे. नाउ वी यूज हियर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज करेंगे हम. ये जो एंगल है आपका थ्री यानी कि आपका एंगल टू
प्लस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। जब भी किसी ट्राइंगल की हम एक साइड को आगे बढ़ा देते हैं तो हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल आता है, एंड द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एंगल वन प्लस टू इज इक्वल टू एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल थ्री बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एंगल थ्योरम का यूज किया हमने, ऑल्सो एंगल वन इज इक्वल टू टू। तो यहां पे आप देखिए हमें रिलेशन दिखाना है थ्री और वन में, तो यहां पे वन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको टू को कन्वर्ट कर लीजिए, इन दोनों का यूज करके एंगल वन एज इट इज और टू को वन में कन्वर्ट कर लेंगे हम, प्लस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री और ट्वाइस ऑफ एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री। इक्वेशन वन सिमिलरली इसी तरह से आप दूसरी साइड में देखेंगे, इधर जो एंगल है थ्री ये हो गया फोर एंगल फाइव के बराबर होगा और ये एंगल सिक्स ले लेते हैं हम, सो एंगल सिक्स जो है ट्वाइस ऑफ एंगल फोर के बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स। दूसरी ट्राइंगल अगर हम लेते हैं इन ट्राइंगल पीओबी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का अगर आप यूज करेंगे तो हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स आएगा। नाउ एड करिए इसको, एडिंग वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू एड करिए, ट्वाइस ऑफ एंगल वन प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स। नाउ टू कॉमन ले लीजिए, एंगल वन प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स। वन प्लस फोर आपका कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए स्टूडेंट्स एंगल वन और फोर मिलके एंगल ए पी बी, देयरफॉर एंगल ए पी बी ट्वाइस टू से मल्टीप्लाई करिए, ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस सिक्स ए ओ बी के इक्वल आ गया, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी बी, यानी जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो डबल होगा रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बन रहा है उससे, हेंस इट इज प्रूव्ड। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स और बिल्कुल इजी है, इसको करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसी थ्योरम का यूज करते हुए हम क्वेश्चन करेंगे हम। नाउ क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करेंगे हम और टोटली बेस्ड है जो हमने 10.8 थ्योरम की है उसी के ऊपर बेस्ड है। ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, आपके पास ए बी सी तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी एंड सी दीज आर द थ्री पॉइंट्स ऑन द सर्कल whose center is O, such that angle BOC is equal to 30 degree. Angle BOC आपको 30 degree दे रखा है, ये एंगल given में लिख लीजिए, एंगल BOC is equal to 30 degree and angle AOB that is equal to 60 degree. Angle AOB is equal to 60 degree. फाइंड हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हियर वी हैव टू फाइंड दैट इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी, ए बी सी को छोड़ के कहीं भी सर्कल के ऊपर एक दूसरा पॉइंट है डी, सो डी इज अ पॉइंट सर्कल के ऊपर है और इसको हम मिला देते हैं, आपको फाइंड आउट करना है एंगल ए डी सी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे कि दो एंगल हमें दे रखे हैं, ये 30 डिग्री है और ये हमारे पास 60 डिग्री है, वो कंप्लीट एंगल हमारा जो होगा वो इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, दिस इज ओ, प्रूफ बिकॉज
एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वेशन नंबर टू इट इज ऑल्सो गिवन. सो एडिंग वन एंड टू दोनों को एड कर दीजिए. एडिंग इक्वेशन वन एंड टू ए बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री. तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटर पे एंगल आ गया एओबी और बीओसी दोनों से मिलके हमारे पास एंगल बन रहा है एओसी. देयरफॉर एंगल एओसी इज इक्वल टू 30 प्लस 60 इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. सेंटर पे हमारे पास एंगल आ गया है देयरफॉर एंगल एडीसी इज इक्वल टू हाफ सॉरी ट्वाइस ऑफ एंगल सेंटर पे 90 दिया हुआ सेंटर पे दिया हुआ तो रिमेनिंग पार्ट पे हाफ होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी. और रीजन यहां पे देंगे आप एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज हाफ half of the angle subtended by it at the center of the circle. जी हां एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट रिमेनिंग पार्ट इज हाफ. रिमेनिंग पार्ट पे हाफ बनेगा आधा होगा रिमेनिंग पार्ट पे सेंटर से या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स इट इज ट्वाइस सेंटर पे जो एंगल बनेगा और ट्वाइस बनेगा रिमेनिंग पार्ट से. तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास हो गया एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ इन टू 90 देयरफॉर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री. टू से इसको कैंसिल कर दीजिए 45 हमारा आंसर आ जाएगा. So this is the solution for question number 1 and in question number 2 most important question hai. Yes in question number 2 very interesting situation hai. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Kisi circle mein jo chord hai wo radius ke equal hai. Student iski figure nahi de rakhi hai to sabse pehle aapko ek figure banani hogi. Hamare paas ek circle hai. इस सर्कल में हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी इज ए कॉर्ड एंड इट इज इक्वल टू द रेडियस ओ इसका सेंटर हमारे पास है. सो ओ ए ओ बी एंड ए बी गिवन में हम लिखेंगे कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. सर्कल के रेडियस के बराबर है यानी कि यहां से हम कह सकते हैं देखो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी. तीनों साइड इक्वल आ गई है इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी. तो यहां पे सेंटर में इनडायरेक्ट वे में आपको दिया गया है कि सेंटर पे जो एंगल है वो 60 डिग्री का होगा. देयरफॉर द एंड दिस आर्क सबटेंड्स इक्वल एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. नाउ फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाई द कोर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क. माइनर आर्क और मेजर आर्क हमारे पास दो आर्क हैं. एक हम ले लेते हैं माइनर आर्क पे पॉइंट एक्स है और एक पॉइंट हम ले लेते हैं वाई जो मेजर आर्क पे है. ठीक है तो माइनर आर्क और मेजर आर्क पे दो पॉइंट हमने ले लिए और इन्हीं पे वो कितना एंगल बनाएंगे वो हमें फाइंड आउट करना है माइनर पे और मेजर पे. फाइंड हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए एक्स बी. जी हां एंगल ए एक्स बी का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है एंड नेक्स्ट है ए वाई बी. इन दोनों एंगल्स का मेजर हमें निकालना है स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले देखिए हम अगर हम वाई को मिला लेते हैं ज्वाइन कर लीजिए इसको
तो ये जो एंगल है वो हाफ होगा, ए वाई बी जो एंगल है ए वाई बी दैट इज हाफ ऑफ एंगल ए होगी, तो 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, यहां लिखेंगे एंगल ए वाई बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट रिमेनिंग पार्ट इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट सेंटर ऑफ द सर्कल। जी हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट रिमेनिंग पार्ट इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सेंटर में जितना एंगल बनेगा रिमेनिंग पार्ट पे उसका हाफ आ जाएगा। देयरफॉर एंगल ए एक्स बी सॉरी ए वाई बी इज इक्वल टू हाफ इंटू 60, एंगल ए वाई बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये स्टूडेंट्स, और हमें दूसरा एंगल निकालना है ए एक्स बी, जो माइनर आर्क पे पॉइंट है एक्स, वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप कर सकते हैं, एक तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं, एओबी का रिफ्लेक्स आपका होगा 300 और 300 का हाफ जो है माइनर आर्क में बनेगा तो आपका एंगल 150 डिग्री का आ जाएगा, 300 का हाफ 150, या फिर आप इसको एक साइक्लिक क्वाड्रेटर भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, साइक्लिक क्वाड्रेटर की एक खास प्रॉपर्टी होती है जो थ्योरम 10.11 और थ्योरम 10.22 में आपको क्लियर कर रखा है कि इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री देन इट इज अ साइक्लिक, इफ द फोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल देन सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो देखिए आप देख रहे हैं ए एक्स बी वाई, ऑल ऑफ दीज फोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल, देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर एंड द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर इज 180 डिग्री। ऑल्सो ए एक्स बी वाई इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटर, तो यहां पे आपको देयरफॉर एंगल ए वाई बी प्लस एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर। साइक्लिक क्वाड्रेटर के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है एंड ए वाई बी की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू 180, यहां से 30 को ले आइए फोर एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्रेंड दोनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले एक चीज जरूर आपने याद करनी है कि हमें जो गिवन है एक्चुअली ये आप प्रूव करके दिखाएंगे, बिकॉज ए ओ फर्स्ट सबसे पहला काम यही है कि इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें प्रूव करना है, यानी जो ये ट्रायंगल बन रही है हमारी इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें प्रूव करना है, बिकॉज ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी गिवन। अगर ये इक्वल है देयरफॉर ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल ए ओ बी जो है हमारा 60 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले स्टार्ट करने से पहले हमें दे रखा है तीनों साइड बराबर है, अगर तीनों साइड बराबर है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और सेंटर पे जो है एंगल ए ओ बी हमारा 60 डिग्री का होगा। तो ए ओ बी फाइंड आउट कर लिया हमने, उसके बाद आप क्वेश्चन इसको कर सकते हैं आगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, इन क्वेश्चन नंबर थ्री पी इन द गिवन फिगर, हमारे को एक फिगर दे रखी है और उसमें एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री का दे रखा है। यस, एंगल पी क्यू आर
ये इसका सेंटर है, ओ इज द सेंटर एंड एंगल पी क्यू आर। देखिए माइनर आर्क में हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है और सेंटर पे उसका रिफ्लेक्स होगा, क्योंकि डबल होगा ऑब्ट्यूज का, डबल करेंगे हम तो इट इज मोर देन 180 डिग्री, तो 180 से कम होगा तो इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा। यहां से हमारे पास ये एंगल 100 डिग्री का दे रखा है, ये वन में हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड पी क्यू आर पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाई करें जिसका सेंटर ओ है, फाइंड एंगल ओ पी आर। टू फाइंड एंगल ओ पी आर को फाइंड आउट करना है आपने, तो सेंटर ओ पी आर को हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए आप कि जो यहां पे एंगल बन रहा है 100, इसका मतलब ये जो पी क्यू पी आर आर्क है, आर्क पी आर सबटेंड्स एंगल, ये आपका एंगल बनेगा यहां पे। जी हां, 100 का है तो ये एंगल हमारा 200 का हो जाएगा, डबल एंगल बनेगा। रिमेनिंग पार्ट पे पी आर आर्क जो है, सॉरी ये पी आर है, पी आर जो आर्क है वो रिमेनिंग पार्ट पे 100 डिग्री के एंगल बना रही है, और तो सेंटर पे इसका डबल होगा तो 100 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे हम आर्क पी आर सबटेंड्स एंगल पी क्यू आर एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। रिमेनिंग पार्ट पे ऑफ सर्कल तो सेंटर पे इसका डबल बनेगा हमारे पास, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंड पी क्यू आर हमें दे रखा है बिकॉज एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास आएगा 2 × 100। रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 200 डिग्री। हमने रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट कर दिया है, तो यहां पे रीजन देंगे एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर इज डबल, सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल जहां जितना रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनेगा सेंटर पे उससे डबल बनेगा, तो 200 का हमारा एंगल आ गया। एंड नाउ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 360 माइनस 200 डिग्री। हमारे पास एंगल पी ओ आर जो है वो 160 डिग्री का आ गया। तो स्टूडेंट हमें यहां पे इसमें 100 हमारा जो एंगल आया है वो ओ पे बन रहा है वो 160 डिग्री आ गया, 160 डिग्री का सेंटर पे एंगल बन रहा है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई है, देयरफॉर एंगल वन जो है हमारा एंगल टू के बराबर होगा। ये हमारा एंगल वन हो गया और ये हमारा एंगल टू हो गया। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल,
अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि साइड्स हमारे किसी भी ट्रायंगल में अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे हम इन ट्रायंगल POR, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 160 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है और 1 और 2 जो है एक्चुअली हमें OPR को फाइंड आउट करना है। OPR यानी हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो इसको हम बिकॉज 1 और 2 बराबर है देयरफॉर एंगल 1 एज इट इज और 2 को हम कन्वर्ट कर देंगे, 2 1 के बराबर है, 180 माइनस 160 डिग्री, माइनस करिए ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 सो 10 डिग्री आंसर आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू 10 डिग्री। देयरफॉर जो एंगल 1 है ओ पी आर जो एंगल हमारे पास आ गया है एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एंगल इन सेम सेगमेंट। यस, इन क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स इन द गिवन फिगर एबीसी इज इक्वल टू 69 डिग्री। गिवन में हमें दे रखा है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 31 डिग्री। और फाइंड आउट करना आपको टू फाइंड हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी डी सी, डी पॉइंट पे कोई एंगल बन रहा है यहां पे डी, एंगल बी डी सी को फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ध्यान से आप देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इस ट्राइंगल में और इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बीएसी प्लस 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम और यहां से एंगल बी ए सी प्लस हमारे पास हो गया 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 100 को इधर जाइए तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री। नाउ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल बी ए सी हमारा 80 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स। और 80 डिग्री कभी भी चीज याद रखिए कि एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में जो एंगल्स बनेंगे चाहे कितने भी एंगल्स बनाइए आप ऑल आर इक्वल। तो यहां पे एंगल ए पे एंगल बन रहा है, ये एक सेगमेंट है ऊपर वाले, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ए पॉइंट पे और डी पॉइंट पे दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं यहां पे हम लिखेंगे कि ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, एंगल ए बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी और रीजन हम देंगे एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही सेगमेंट में एंगल जो बनेंगे वो इक्वल होते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर सेगमेंट बनी हुई है हमारे पास, यस ऊपर जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रही है दोनों एंगल्स इसी सेगमेंट में एंगल बने हुए हैं। बीसी जो कॉर्ड है वो दो पार्ट में डिवाइड की है सर्कल को, एक हमारे पास ये मेजर सेगमेंट है और नीचे माइनर सेगमेंट है। तो ऊपर जिस सेगमेंट में दो पॉइंट हमें लिए हैं ए और डी, तो दोनों के ऊपर बराबर एंगल होंगे। देयरफॉर एंगल बी ए सी हमारा अगर 90 डिग्री है तो बी डी सी भी हमारा कितना होगा 80 डिग्री। ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। एंड इन नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक फिगर दे रखी है स्टूडेंट्स, ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, सारे के सारे पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चारों जो पॉइंट हैं वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, हियर ए एंड इट इज डी और आपके पास बी सी कोई बी सी
ये चारों पॉइंट है ए बी सी डी, ऑल दीज पॉइंट लाई ऑन द सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई। ए सी को जो बी डी है इनको मिलाइए, ए सी को मिला दीजिए और बी डी को मिला दीजिए, दोनों ही पॉइंट जो है वो ई के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ई, ई के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट ई बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। गिवन में हम लिखेंगे एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमारे पास बी ई सी जो एंगल है वो 30 डिग्री है, सॉरी 130 डिग्री है, और ई सी डी 20 डिग्री है। इट इज 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो स्टूडेंट ई सी डी 20 डिग्री है, फाइंड एंगल बी ए सी। टू फाइंड एंगल बी ए सी हमें फाइंड आउट करना है। ये सबसे पहले देखिए बी ई सी, बी ई सी ये एंगल हमारे पास 130 डिग्री का है और ई सी डी एंगल जो है, ई सी डी ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास 20 डिग्री है। आपको निकालना है बी ए सी एंगल। देखिए हमें बी ए सी एंगल निकालना है तो सबसे पहले हम इसको मिला लेते हैं। अब आप देखेंगे कि एडी आर जो है, आर एडी एंगल बना रही है सी के ऊपर 20 डिग्री का, और यही आर एडी बी पॉइंट पे एंगल बनाएगी 20 डिग्री का। बिकॉज दीज आर द एंगल्स इन सेम सेगमेंट, दोनों ही सेम सेगमेंट में एंगल होंगे और हमारे पास बिकॉज आर ए डी सबटेंड्स इक्वल एंगल इन सेम सेगमेंट, देयरफॉर एडी आर बना रही है तो हमारा ए बी डी एंगल जो है इज इक्वल टू एंगल ए सी डी के। अब क्योंकि ई सी डी एंगल हमें देखा है, बिकॉज एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 20, देयरफॉर ये 20 आ जाएगा हमारा, ई सी डी ये 20 का है तो यहां पे 20 का एंगल बनेगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 20 डिग्री। यस स्टूडेंट, और यहां पे आप इसको एंगल वन ले लेते हैं, एंगल वन प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। यहां से 130 को ले लेंगे, एंगल वन प्लस 180, एंगल वन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल वन हमारे पास आ गया 50 डिग्री। जी हां, हमें निकालना है एंगल बी ए सी। तो ये देखिए आप एंगलसन प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं यहां पे, या यहां से ये निकाल के आप एंगल इन सेम सेगमेंट भी कर सकते थे। एंगल थ्री निकाल लीजिए इन ट्रायंगल बी ई सी बी ई ए, एंगल वन हमारे पास आ गया 50 डिग्री, एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस ये हमारा 50 आ गया था 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगलसन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंड वन हमारे पास 50 है, सो 50 प्लस एंगल थ्री प्लस 20 इज इक्वल टू 180, 50 प्लस 20 70, 180 माइनस 70 डिग्री, तो एंगल थ्री हमारे जो आ गया है 110 डिग्री। तो स्टूडेंट एंगल थ्री हमें बी ए सी एंगल फाइंड आउट करना था, आप देखेंगे बी ए सी जो एंगल है, देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 110 डिग्री। हमने एंगल बी ए सी फाइंड आउट कर दिया स्टूडेंट्स, और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।